उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे। उन्होंने यहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने बसपा महासचिव के प्रबुद्ध सम्मेलन वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एक जाति के लोगों का प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं होता। 200 करोड़ से के लगभग की लागत की सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और 300 करोड़ रुपए के लागत की लगभग सड़कों का, सेतुओं का, रेलवे ओवरब्रिज का, फ्लाईओवर का यहाँ पे घोषणा भी की गई है और इसके लिए मैं कानपुर के सभी अपने नगर वासियों को बधाई देता हूँ। और विकास का ये जो कार्य है वह निरंतर चलता रहेगा, विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता। देखिए, मैं किसान पंचायत के बारे में अभी मंच से भी बोला हूँ, लेकिन यह किसान पंचायत नहीं है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल जैसे राजनीतिक पार्टियों ने किसान का रूप धारण करके यह बताने की कोशिश किया है कि हम किसान हैं, लेकिन वह जो राजनीतिक दल हैं उनसे मैं यही कहूँगा, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, वो जनता की अदालत में आए। और 2019 का लोकसभा चुनाव अभी हम उन सबको हरा चुके हैं और 2022 में भी हम 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। और जो विरोधी इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं उनको जैसे शाहीन बाग का नाटक करके कामयाबी नहीं मिली, वैसे किसान आंदोलन का नाटक करके भी कामयाबी नहीं मिली। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कानपुर दौरे के दौरान 200 करोड़ की सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इतना ही नहीं, 300 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा भी की। जाहिर है कि उप मुख्यमंत्री का उद्देश्य इन घोषणाओं के जरिए चुनाव से पहले प्रदेश के जिलों में तैयारी देखने की है। ऐसे में सरकार की तरफ से घोषित इन घोषणाओं का जनता को क्या और कब लाभ होगा, ये देखने वाली बात होगी। कानपुर से दिल से यूपी चैनल के लिए दिवाकर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।